गाइस, सो मैं उज्ज्वल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, होपफुली आप क्लास वन को देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं उसको पहले देखो, उसके बाद इसको देखो, क्योंकि मेरे हर क्लास में क्या होगा, लिंक होगा एक दूसरे के साथ। इसके पीछे लॉजिक है। मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूँगा और आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका सही में प्रिपरेशन ढंग से हो। तो गाइस, मैं एज्यूम करता हूँ आप पहले क्लास देख चुके हैं। तो हम शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जो टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, मोशन होगा, जो 9th क्लास का होगा चैप्टर, राइट। और हम पहले क्या पढ़ेंगे, जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए, नारियल फोड़ के इसका स्टार्टिंग करते हैं, राइट। ओके, तो चलिए। तो बेसिकली मोशन, अगर मोशन की बात करेंगे तो कोई बॉडी मान लो है, मान लो आप खड़े हैं या फिर कोई स्टोन है कहीं रखा हुआ है। इस बॉडी का अगर कंडीशन की मैं बात करूं, कंडीशन ऑफ द बॉडी अगर फिलहाल यहीं पर रुका रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी जो है टाइम के साथ साथ अपना जो पोजीशन है, वो क्या नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। नॉट चेंजिंग पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और विद टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। वहीं मान लो बात करते हैं मोशन की, तो बॉडी यहाँ पर अभी है, आफ्टर 2 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड या फिर 1 आवर बॉडी यहाँ पहुँच जाता है। मतलब क्या है, बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी मार्केट जाऊँगा तो मोशन में जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब विदाउट मोशन चला जाऊँगा या बिना बिना पोजिशन चेंज करे चला जाऊँगा, राइट। तो गाइज ऐसा होता है, समझ रहे हो मोशन का मतलब क्या होता है, आपको होपफुली समझ में आया। और रेस्ट मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया। तो गाइज, मोशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम शुरू करें किसके वाले में, नेक्स्ट हम लेते हैं टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं बात कर रहा था मोशन इंपॉर्टेंट क्यों है और यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस कहाँ है। गाइज, इस लेसन में बताऊंगा आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड में क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका एप्टीट्यूड में आ सकता है, जो गेट तक एग्जाम में आ चुका है, ESC तक आ चुका है, तो आप में आने का चांसेस क्या है, वो आ ही सकता है ना, अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन वो पूछेगा। तो मैं बात कर रहा था क्या, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें किसके बारे में, मोशन अलोंग, जस्ट सेकेंड, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब समझते हैं पहले। मोशन मतलब क्या है, बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, क्या बोलेंगे, तब बॉडी मोशन पर है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, जो हमारा सीधा लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ऐसा क्यों बोला यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा है, बिकॉज यहाँ पर इसके लॉजिक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट किसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसी के अंदर हमारा कंसेप्ट आया किसका, डिस्टेंस का एंड डिस्प्लेसमेंट का। गाइस, अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कभी भी, तो इस लेसन के बाद मैं वादा करता हूँ कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे, राइट। तो गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मतलब समझते हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या है, समझ रहे हो। मान लो हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन लेते हैं, मतलब इसको रेफरेंस पॉइंट बोलूँगा मैं, रेफरेंस पॉइंट, राइट। और इस ओरिजिन से मान लो मैं सिटी, मान लो आर गया, फिर सिटी पी गया, सिटी क्यू गया, फिर यहीं पर जाके रुक गया। भाई भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, राइट, आई एम फीलिंग हंग्री। मान लो मुझे हंगरी फील हो रही है, मैं यहाँ पर स्टॉप, रुक गया, स्ट्रेट लाइन था सीधा। तब मैं बोलूँगा डिस्टेंस कितना होगा, ओ टू आर, जितना डिस्टेंस है उतना होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। और एक बात, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तब क्या होता है, आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो। कैसे, यहां से पता लगता है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन से पता लगता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखोगे, भाई डिस्प्लेसमेंट है क्या, राइट, तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड,
ड्यूरिंग आ टाइम पीरियड, राइट पीरियड, इट इज ट्रेवलिंग आ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, राइट, और यू कैन से इधर हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड करता है। पूरा समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, डेफिनेशन से पूरा बातें समझ में नहीं आता है। हम एग्जांपल लेंगे, मान लो राम कुमार यहाँ से शुरू करता है जर्नी, ये ओरिजिन है जहाँ मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ से यहाँ जाता है 2 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर, यहाँ से 5 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर, फिर यहाँ रुक जाता है और ये 5 किलोमीटर है। अगर मैं डिस्टेंस बोलूँगा तो क्या होगा, सारे को मैं ऐड करूँगा कि 3, 2, 5, 5, 10, 10, 20, 25, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25 किलोमीटर। अगर मैं वही डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो क्या करना है भाई, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये रहा। तो टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक हम मेज़र करेंगे, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। बात समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। और एक बात, नेक्स्ट आपके NCERT बुक में ही क्वेश्चन आता है, NCERT इसमें ही क्वेश्चन है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है भाई? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कैसे बता रहा हूँ। मान लो मैं एक श्याम कुमार है, श्याम कुमार SK, नाम है तो बुरा मत मानना, एग्जांपल मैं ऐसा ही लेता हूँ, राइट। बस आपको समझाने का कोशिश रहेगा, पूरा पूरा बात आपको समझ में आना चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है आपको अब पता होना चाहिए, राइट। अगर आप भूल गए हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं भूले हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नया आपको बताऊंगा, ये तो है पक्का बात, राइट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, NCERT बुक में क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, मैं बोलता हूँ हाँ, आप बोलोगे कैसे बताओ, कैसे मान लें, ऐसे श्याम कुमार यहाँ से जाता है दिल्ली, दिल्ली से आता है आगरा, आगरा से आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से आता है धर्मशाला, धर्मशाला से आता है अमृतसर, फिर बाघा बॉर्डर, फिर चला जाता है जहाँ से शुरू करा था, मान लो उसने शुरू करा था गुड़गांव से, मान लो यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर आया, घर पा गया, घर से शुरू करा था, मान लो उसके घर से उसने जर्नी शुरू करा था, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितने भी टोटल जगह उसने घुमा सारा डिस्टेंस ट्रैवल ऐड कर दो, जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में करा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मान लो उसके घर से एक जगह से उसने शुरू करा था, एक जगह से उसी जगह पर जाके रुक गया हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, समझ रहे हो। तो उसने डिस्टेंस भी ट्रैवल करा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, समझ गए। मतलब जहाँ से उसने शुरू करा था वहाँ अगर पहुँच जाता है बंदा तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, राइट ओके। अब गाइस बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, राइट। इसका अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, लेस कभी नहीं होगा। किस कंडीशन में, आपको मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी कंडीशन, राइट। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस नेचर में हम जा रहे हैं, किस नेचर में हम कंसीडर कर रहे हैं, कहां हम जा रहे हैं, राइट। जैसे एग्जांपल, मेरा घर है, मुझे जाना है दिल्ली, मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा हूं ना, अल्टीमेटली मुझे दिल्ली पहुंचना है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं और एक बात कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिरकार डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, अगर साइंस की बात करूंगा मैं, साइंस जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और जो डिस्टेंस है इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव में होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनसे निकल के आता है एक हमारे पास नया टर्म, वो क्या होता है, वेक्टर टर्म, मतलब जिसका डायरेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर। इसके अलावा और एक टर्म है जो टेक्निकल में बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा मैं, टेंसर होता है, मतलब स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है और टेंसर भी होता है। अक्सर
जितने स्टूडेंट हैं लगभग सबको ही पता होता है भाई, स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी टर्म में इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन हम टेंसर को भूल जाते हैं, या तो पढ़ते नहीं है, या पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर हम भूल जाते हैं, ये भी हो सकता है। कहानी आपको समझ में आया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? और मज़े लेने के लिए क्या करो भाई, हेडफोन लगा लिया करो। जो डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ, इससे बढ़िया डिवाइस आज मार्केट में आजकल है नहीं, बिकॉज मैं एप्पल आईपैड का यूज़ कर रहा हूँ आपके वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आपको बेस्ट क्या मिले, वॉइस क्वालिटी मिले और प्लस बेस्ट स्क्रीन मिले, मतलब अच्छे से आपको समझ में आए। हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो पेन से लिख रहा हूँ भाई बहुत कॉस्टली आता है, 7,500-8,000 का पेन है एप्पल का, राइट, एप्पल पेंसिल बोलते हैं इसको, नेट पे सर्च कर लेना। और इसमें बहुत मोटा है भाई, मेरे हाथ बहुत बड़े नहीं है, इससे थोड़ा सा दिक्कत होती लिखने के लिए, और कोई मेरे पास ऑल्टरनेटिव है भी नहीं, अगर है तो मुझे ज़रूर बताओ। तो गाइज, अब तक हम क्लास में क्या सीखे भाई, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट के हमने कोई कुछ केसेस हमने देखा। अब गाइज, मोशन में और दो पार्ट आता है, एक क्या होता है यूनिफॉर्म, नाम से भी लग रहा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्कूल पहन के नहीं आया, कॉलेज नहीं पहन के आया राइट। और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्या होता है गाइज, नॉन यूनिफॉर्म। चलो आपको गाइज लगेगा कि आप मेरे सामने ही बैठे हो, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, राइट, आपको लगेगा नहीं मैं कहीं और दूर बैठा हूँ। चलो, यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा निकल के आता है हमारे दिमाग में, वो क्या है, दुनिया में जितने गाड़ियाँ हैं वो कैसा मोशन है, ये आप लोग मुझे आंसर बताओगे नीचे कमेंट में। जितने गाड़ियां हैं, जितने हमारे हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, राइट, तो किस तरह का मोशन होता है, या फिर हवाई जहाज़ में जा रहे हैं तो किस तरह का मोशन है, आप मुझे बताओगे जब मैं आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करके बताऊंगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर गाइस, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी, इफ एनी बॉडी, एनी बॉडी कवर्स एग्जैक्टली, यहां पर जोर देंगे एग्जैक्टली, इक्वल डिस्टेंस, या यहां पर एक एस लगा देंगे बिकॉज बहुत से लेंगे, इन इक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम, कोई अगर बॉडी कवर्स करता है, ट्रेवल करता है, जाता है, आता है, जैसे भी है, एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या है, अनइक्वल इंटरवेल्स, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवेल्स ऑफ टाइम। अब इसको और समझते हैं प्रैक्टिकली, मान लो कोई हवाई, मतलब हवाई जहाज तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल लगता है, छोटा लेते हैं, साइकिल, साइकिलिस्ट साइकिल चलाता है, मान लो कोई, वो हर 10 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 10 मीटर भी 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट 10 मीटर भी और 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, मतलब इक्वल इंटरवेल्स 1 सेकंड है, इक्वल डिस्टेंस है एग्जैक्टली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और मान लो कोई मेरे जैसा, मान लो 1 मिनट में पहले 10 वर्ड बोलता है 1 सेकंड में, नेक्स्ट 100 वर्ड बोल जाता है मान लो 1 सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, मैं जो स्पीड बोल रहा हूँ, मतलब जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, जस्ट एग्जांपल है, 1 सेकंड में होता नहीं, मान लो इसको 4 सेकंड लेता हूँ मैं, राइट, या 4 सेकंड में 100 वर्ड बोलना ही मुश्किल है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, राइट, समझ जाओ बस, बस आप इसके लॉजिक मत जाना, ये कैसे बोल सकते हो 100 वर्ड 4 सेकंड, इसके पीछे मत पड़ना भाई, समझना है जो चीज़ समझाओ, जो सिर्फ पकड़वाना चाह रहा हूँ आपको, पकड़ लेना है उसको, रख लेना है गाइस। और एक चीज़ बताऊंगा आपको, धीरे धीरे हम बात करेंगे अच्छे से, जैसे कि बताया था आपको, लगेगा मैं क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, नोटबुक उठा लेना भाई, और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज उसको उतारते रहना, बेस्ट होगा किताब भी ले लो, अपने भाई जो होंगे पढ़ रहे होंगे, भाई बहन जो भी हैं आस पड़ोस के, उनसे किताब उधारी ले लो, और जितना अच्छे से रिविज़न करोगे उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा, नहीं तो आप कितने भी क्लासेस ज्वाइन कर लें, कितना यूट्यूब वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होना है, राइट, आप देखना कितना, हज़ारों बच्चे लाखों बच्चे कोचिंग लेंगे मुझे पता है, लेकिन सक्सेस सिर्फ कुछ को ही मिलेगा जो तरीके से पढ़ेंगे, राइट। तो गाइस, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे गाइस किसका, स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं,
और एक इसी के भाई है, उसका नाम क्या है? वेलोसिटी। एक स्पीड है, उसका भाई क्या है? वेलोसिटी है। गाइस अगर दोनों का आप यूनिट की बात करेंगे क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे कैसे 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 कैसे, बताओ भाई, बताता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। और वेलोसिटी क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं SI यूनिट की बात करता हूँ तभी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। अगर मैं CGS की बात करूँगा सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर भी लिखते हैं। कन्वर्जन बताऊंगा अभी आपको, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड में भी काम आ सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। आपको बताऊंगा इसके बारे में, कहाँ काम आया कहाँ नहीं काम आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। और यहीं से शुरू होता है एग्जैक्टली मोशन का मेन कहानियाँ, वो इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्वेश्चन आने का चांसेस कहाँ से है? ग्राफिकल मैथड से है, राइट, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ग्राफिकल मैथड के बारे में। लेकिन पहले हम यहाँ समझते हैं भाई, हो क्या रहा है कहानी, समझते हैं पहले, राइट। तो गाइस देखो, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास क्या आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में देगा आपको एप्टीट्यूड में 1 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है आपको पूछ दे मीटर पर सेकेंड में या फिर मीटर में आंसर निकालने। तो यहाँ पर जो आप यूनिट में मिस्टेक करते हो, जिसके वजह से हर बच्चा अपना 10 नंबर गवा बैठता है। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा एक भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे फिजिकल कोचिंग में पढ़ते हैं चाहे यहाँ पढ़ते हैं, आपका एक भी नंबर बर्बाद ना हो। एक भी नंबर अगर बर्बाद नहीं करना तो आपको क्या करना है, हर एग्जाम के मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखना है यूनिट सिस्टम आपने सही लिया है, और लास्ट में क्या देखना है, जो यूनिट आपने निकाला है क्या वही यूनिट क्वेश्चन में पूछा है, अगर नहीं तो उसको सही करो, अगर हाँ तो सही आंसर मार्क करो। समझ गए? अब अभी मैंने दो चीज़ बताया था आपको, स्केलर बताया था और एक वेक्टर बताया था। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो सेम वे स्पीड क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। कैसे याद रखोगे? एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेक्टर। समझ गए कहानी? इसको पकड़ लो, जो बता रहा हूँ पकड़ लेना, और हिंदी में इंग्लिश में जहाँ मन लिख देना। लैंग्वेज को ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज बड़ा सिंपल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं होता है लैंग्वेज में। अब गाइस जो बात करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट बात है, तो बात करेंगे क्या जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअली में, वो क्या है आपका एवरेज स्पीड। और वैसे आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम देखेंगे पहले एवरेज स्पीड के बारे में, बिकॉज एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज स्पीड से ही क्वेश्चन आता है। क्या बोलता है क्वेश्चन में? कि एक बंदा पहले 2 किलोमीटर जाया गया, फिर 4 किलोमीटर गया, ए टू बी 2 किलोमीटर गया, बी टू सी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर गया, सी टू डी 10 किलोमीटर गया, राइट। और ये 1 आवर में गया, 2 आवर्स में गया, हाफ एन आवर में गया, 30 मिनट्स में गया। अब बोलेगा एवरेज स्पीड निकालो। एक तो गलती करोगे यहाँ पर, मिनट है, आवर है, आवर है, समझ रहे हो? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम को ठीक करता हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। अगर यही बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, तो क्या होता है? कॉन्स्टेंट स्पीड होता है, वेरिएबल स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। लेकिन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एवरेज स्पीड हमेशा हम कंसिडर किस में करेंगे? एवरेज स्पीड में करेंगे। एवरेज स्पीड है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन एक निकल के आता है कि जो ऑटोमोबाइल है उसमें हम क्या करते हैं, एक मीटर लगाते हैं जिसका नाम क्या है? ओडोमीटर है। एनसीटी बुक में है इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई, ओडोमीटर आपके एनसीटी बुक में है तो घबराना नहीं है, समझाऊंगा अच्छे से। तो ओडोमीटर कहाँ है? बेसिकली आपके बाइक में लगते हैं, कार में लगते हैं। तो बेसिकली क्या है आपका ये जो ओडोमीटर है, इसका काम क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा। आपने देखे होंगे आपके बाइक पर या स्कूटी पर ऐसे ऐसे लिखा रहता है, यहाँ 2, 4, 5 ऐसे हिलते रहते हैं, मीटर का होता है, किलोमीटर का होता है, फिर बढ़ता रहता है ऐसे, समझ रहे हो? तो उसको ऑटोमीटर बोलते हैं। उसका काम क्या होता है? डिस्टेंस को मेजर करना। बस इतना याद रखना इस चीज़ को, राइट। और इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है जितना मैंने देखा। अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको बता दूंगा, मतलब कोई अगर क्वेश्चन रहता है एनसीटी बुक में जरूर मुझे पूछना, आपको बताऊंगा, राइट। तो गाइज यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं एनसीटी बुक में, जैसे कि बताया था मैं आपको टेस्ट सीरीज दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा।
या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं और कुछ बताऊंगा, 1000 लाइक्स लाना पड़ेगा हर वीडियो में, जो थोड़ा मुश्किल है। अगर 1000 लाइक्स आ जाएगा एक वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा बना के, बिकॉज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्वेश्चन सिलेक्शन, राइट। और टेस्ट सीरीज मतलब ऐसे नहीं पीडीएफ में, जैसे ऑनलाइन जितने वैसे मार्क्स भी आएगा, और बाद में आप सोशल मीडिया में शेयर भी कर सकते हो, जैसे आप व्हाट्सएप पर चाहते हो। तो गाइस, और एक बार, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं बुक्स के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में, सब मैं नीचे डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, राइट। चलो अब गाइस, हम बात करते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें भी अगर टाइप्स की बात करेंगे, इसमें भी आएगा क्या, वेलोसिटी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हैं आप उसको, मतलब एक टर्म आ सकता है, लेकिन वो हम लेते नहीं है फिलहाल, पढ़ते नहीं उसके बारे में, वो तो अलग बात है। लेकिन लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पढ़ाऊंगा टाइम और बर्बाद होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड की बात करता हूँ मैं, और एक क्या है, वेलोसिटी की बात करता हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। दोनों का सिमिलरिटी क्या है, दोनों के यूनिट क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड होंगे, राइट। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। उसके बाद स्पीड हमें क्या बोलता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर इन टाइम, इसमें क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल पर इन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। ये मेन डिफरेंस था, समझ गए आप। या अगर स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे, तो हमारा डिफरेंस मेन क्या है, क्या उसका नाम है, डिफरेंस क्या बोलेंगे, कि भाई ये जीरो हो सकता है और ये जीरो, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। और एक बात गाइस बोलूंगा, एवरेज वेलोसिटी की, यहाँ से शुरू होता है किसके बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से यूनिट करते हैं, और एक क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टू। बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, यू होता है इनिशियल या वी इनिशियल होता है, तो आपको ट्रिक है, हर जगह पर ट्रिक मिलेगा याद करने के लिए आपको। ट्रिक क्या है, इंग्लिश जो पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी ने मात दिया हमें, तो प्रॉब्लम में आई, फंसा दिया हमें, चलो कोई बात नहीं, और यही आपको उठाएगा। इंग्लिश जो है, इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड में, एक बार याद करो भाई साहब, हिंदी तो हम भूल जाते हैं, बाकी लैंग्वेज भूल जाते हैं, जितना भी हमारे अक्षर होते हैं, लेकिन इंग्लिश याद रहता है, बिकॉज इसमें कम लेटर्स होते हैं, 26, राइट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, यू आता है या वी आता है, यू आता है, यू वी हम देखते हैं ना, यू वी, राइट। अब अगर यू पहले आता है, तो यू क्या हो गया, इनिशियल। बाद में क्या होता है, अगर यू पहले आ रहा है, बाद में वी आएगा, तो वी क्या आ गया, फाइनल। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू क्यों हुआ और वी फाइनल वेलोसिटी क्यों हुआ, आपको पता लग गया होगा होपफुली। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सब दिन आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं गाइस, और एक नया टर्म निकल के आता है, उसका नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या है गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक नया टर्म आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। इसका और एक नाम क्या बोलेंगे हम, ए सी सी ई एल ई आर ए टी आई, एक्सेलरेशन अगर बढ़ता है, अगर घटता है तो हम क्या बोलेंगे, क्या कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए सी सी ई एल, ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। इसका और एक नाम, और दो नाम है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका दो और नाम है, उसका एक क्या है, रिटर्डेशन है, और एक नाम है डी एक्सेलरेशन, राइट। तो हम डी एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सारे नाम क्या है आपका, हो सकता है वो पूछे भाई, मैं उस तक क्वेश्चन में डाल दे, लेकिन हम देखेंगे अब इसका फॉर्मूला क्या है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब कैसे निकालेंगे, मेरा इनिशियल वेलोसिटी था यू, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वी। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बात करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, तो v माइनस यू अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यहां पर यूनिट देखो भाई, बिना यूनिट काम नहीं चलता, यूनिट देखना बहुत जरूरी है। और शुरू से जब कोई चीज हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं,
या फिर इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों का यूनिट क्या होता है, उन सारे का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। अगर सेम यूनिट नहीं है हम ये तीन काम नहीं कर पाते हैं। डिवीजन कर पाएंगे भाई, पहले बता रहा हूँ, मल्टीपल कर पाएंगे, लेकिन ये तीन काम हम नहीं कर पाएंगे अगर यूनिट सेम नहीं है, समझ रहे हो। यानी कि यू का यूनिट और वी का यूनिट क्या है, सेम है। इससे पहले बताया था मैंने हमारे वेलोसिटी का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। और ये हम एसआई की बात करेंगे, मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओह माय गॉड, नया चीज़ आपने सीख लिया। अगर इस तरह से आप यूनिट निकालोगे ना, कभी वो गलती नहीं होगा आपसे, आप मजे लोगे जिंदगी का, यूनिट में मिस्टेक तो होगा नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, एक्सेलेरेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये तो हो गया हमारा एसआई में। एसआई का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर यूनिट में मिस्टेक होता है, आपका प्रॉब्लम होता है, तो नीचे पहला फर्स्ट कमेंट में एक वीडियो डालूंगा जिसमें हर चीज़ कवर है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, जेई से लेके ईएससी तक, वो यूनिट सिस्टम कर लो, लगभग कवर हो जाएगा आपका, समझ गए। होपफुली आपको फायदा करेगा। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया भाई साहब, ये आ गया हमारे पास सीजीएस यूनिट। लेंगे सी मतलब क्या है, सेंटीमीटर, जी मतलब क्या है, ग्राम, एस मतलब क्या है, सेकंड। सीजीएस यूनिट। और एक यूनिट सिस्टम होता है एफपीएस, इससे इतना काम नहीं आता है हमारा, कभी कभी आता है रेयर, लेकिन ये सीजीएस और एसआई से काम आता है। एमकेएस एसआई लगभग सेम है। एमकेएस का एक्सटेंशन वर्जन क्या है, एसआई है। जो वीडियो वाला देख रहे ना, पहला कमेंट में डाल दूंगा, आपका सारा जो मतलब प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगा, समझ गए गाइस। चलो अब सी जी एस में जो हमारा एक्सलेशन है, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ गए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वो वही बात करेंगे, एक्सलेशन कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे पता लगेगा। यहाँ आ जाओ, मैं समझाऊंगा यहाँ पर भी एक बात। एक्सलेशन एक मोटा मोटी बात करेंगे, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या आ गया, टाइम, समझ के। अब देखो टाइम का यूनिट क्या होता है, सिर्फ उसका वैल्यू होता है। तो यूनिट क्या है भाई, मतलब किस तरह का क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट तो सेकेंड है भाई, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। अगर वेक्टर वाइज स्केलर होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ही बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, समझ गए। वेक्टर का रूल है ये, वेक्टर के बहुत सारे रूल होते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, प्लस हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं 12th क्लास में। अगर आप नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा अगर पढ़े भी हैं, थोड़ा रिवीजन कर लो, काम आएगा। वेक्टर बहुत काम के हैं, आई जे के बारे में याद रहा ना, आई के ऊपर टोपी पहनाने थे, आई कैप बोलते थे टीचर आपके। तो गाइज इस लेसन में इतना ही, आगे हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो बेसिक इसने बताया वो वहाँ पर काम आएगा। ग्राफ्स में गाइज अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आया है, पहला आपने कभी नहीं करा, दूसरा आपको कंफ्यूजन होता है, तीसरा आप बहुत चीज़ सीखना चाहते हो, चौथा सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं नेक्स्ट लेसन डालूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। अब आपको करना क्या है, होमवर्क। भाई साहब बिना होमवर्क काम नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। सिर्फ वीडियो देखोगे मज़ा आने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप कुछ सीखोगे बेसिक, जिससे एग्जाम क्रैक नहीं होंगे। एग्जाम क्रैक होता है सेल्फ स्टडी से, होमवर्क से। बेसिक सबको आता है भाई साहब, मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे आता है, मेरे जैसे कितने पढ़ा रहे हैं उनको आता है, वो पेपर देंगे ना, आप उन्हें कंप्लीट कैसे करोगे, एक चीज़ से, वो क्या है, होमवर्क से। आप एनसीईआरटी बुक निकालो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के भाई। देखो जी जान लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होने वाला है, मुझे पता है। क्वेश्चन सारे सॉल्व करो एनसीईआरटी का, पहला। अगर नहीं करते हो तब भी आपके पास ऑप्शन है, जो मैंने आपको बुक का लिस्ट दिया है, आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन टॉपिक से सारा निकालो। दूसरा, तीसरा, अगर कोई भी घर में बुक पढ़ा हुआ 11th क्लास का जिसमें मोशन के क्वेश्चन है, सारा निकालना शुरू कर दो, वो भी एमसीक्यूज तो बेस्ट होगा, जो कंप्लीट एग्जाम में आया हुआ है, जो आईआईटी में नहीं आए हैं भाई, छोटे मोटे एग्जाम में आए हैं, कमेंट के वाला निकाल सकते हो। मतलब छोटे मोटा नहीं हो एग्जाम, कमेंट के में सिंपल आता है आपका क्वेश्चन, कमेंट के जो कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम होता है, राइट, जो मैं क्रैक कर चुका हूँ एक दो बार, तो वहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो, काम आएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आया। तो क्या करना है आपको, 1000 लाइक पहुंचाना है फटाक से, राइट, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लाइक करो भाई, ठीक है। इतना अच्छा वीडियो बना के दिया आपको, और होपफुली आपको पसंद आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आता है जरूर पूछना, और जरूर शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक सारे दोस्तों के साथ, फैला दो वीडियो को, मज़ा आना चाहिए सबको पढ़ के, राइट। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।